तो 6 अगस्त की तरह ही 6 दिसंबर को हर साल लगता है इंडिया में एक नया बैंक हॉलिडे क्रिएट हो गया है जिसका नाम है विधवा विलाप दिवस। तो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, इससे पहले कि इस वीडियो में मैं जरा भी आगे बढ़ूं, एक चीज बोलनी बहुत जरूरी है, एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि मैं किसी भी फॉर्म में हिंसा को, वायलेंस को पॉलिटिकल या कल्चरल या रिलीजियस गोल्स अचीव करने के लिए सपोर्ट नहीं करता हूं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था 1992 में, वो तरीका गलत था, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मेन बात यह है ना कि अगर मैं ये मानने को तैयार हूं कि हिंसात्मक तरीके से बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, तो क्या मेरे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल दोस्त जो हैं वो ये मानने को भी तैयार हैं कि उनकी जमात ने ताबड़तोड़ कोशिश की थी कि किसी भी तरह से लीगल और पॉलिटिकल तरीके से हिंदुओं को उनका राम मंदिर वापस ना मिल सके? क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि हमारे एमिनेंट हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने बार बार हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में दखल अंदाजी की और मुस्लिम कम्युनिटी को बोला कि इस मस्जिद के नीचे कोई भी राम मंदिर नहीं है, आप बिल्कुल भी हिंदुओं के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए? क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि भारत के कोर्ट्स ने जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तब तक इस मामले पर लेने से इनकार करती रही, और ना ही हमारे एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स ने इस अयोध्या के मामले को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करने में जरा सी भी मेहनत की? ये भी तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। लेकिन क्या करें, जिस तरह से विक्की कौशल सलमान खान को भूलना चाहता है, उसी तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल्स अपने पुराने कर्मों को भी भूलना चाहते हैं। तो राम मंदिर के लिए जिस तरह से 6 दिसंबर जरूरी है, उसी तरह से 6 अगस्त भी बहुत जरूरी है। तो इस राम मंदिर का डिसीजन आने के बाद दो तरह के बड़े रिएक्शंस हुए हैं सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से। पहला तो ये हुआ है कि जो लोग राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे, वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो जी। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़े, मुसलमानों के भी पढ़े, क्रिश्चियन के भी पढ़े, भारतीयों के भी पढ़े, विदेशियों के भी पढ़े, सबके बच्चे पढ़े। वो लोग बेचारे रातों रात राम भक्त बन गए हैं। दूसरा तरह का रिएक्शन हुआ है विधवा विलाप वाला रिएक्शन। यहाँ पर लोग डेमोक्रेसी की मौत का माता मना रहे हैं। बेसिकली लोग कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर के डिसीजन के बाद न्याय की हत्या हो गई है। सर जी, ऐसा है, न्याय की हत्या नहीं हुई है, हत्या हुई है कार सेवकों की, जरा उनको भी याद कर लीजिए। लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जो ईंटें थी उनको हिला दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को, सेक्युलरिज्म को अटैक किया गया था, कम्युनल पॉलिटिक्स का जो डर्टी गेम है वो इस दिन शुरू हुआ था। हो सकता है सायमा जी गजनी 2 के लिए ऑडिशन दे रही हो, इसीलिए तो वो शायद भूल गई हैं कि 1992 के पहले आर्टिकल 370 कश्मीर में लगाया गया था मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा राइट्स देने के लिए। इसीलिए तो वो शायद भूल गई है कि 1992 के पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डाले गए थे जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अधिकार मिले थे। 1992 के पहले ही भारत में ब्लास्फेमी लॉज लाए गए थे मेनली मुस्लिम सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1992 के पहले ही शाहबानो का केस हुआ था जहां पर मुस्लिम सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एक मुस्लिम औरत को धोखा दे दिया था। 1992 के पहले ही कांग्रेस के रूल्ड कई स्टेट्स में सैकड़ों दंगे हो चुके थे। 1992 के पहले भी हमारी हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर हिंदू स्ट्रक्चर्स को तोड़कर वहां पर एक इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया गया था। सीताराम गोयल ने अपने किताब में करीब करीब 2000 ऐसी मस्जिदें दिखाई हैं जिनको हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। लेकिन उन सब चीजों से कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं आया, कम्युनलिज्म नहीं आया, सेक्युलरिज्म की नींव नहीं हिली, लेकिन एक बाबरी मस्जिद से हिल गई। ये तो वही बात हुई कि आप अपने पड़ोसी के गाड़ी के ऊपर जाके पॉटी कर दो और आपका पड़ोसी अगर जब नाराज हो तो पूछो, अरे कम्युनल क्यों हो रहे हो? और पता नहीं आपको आरफा जी का एक कमाल का वीडियो याद है कि नहीं, कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जब वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक खास तरह के कपड़े पहनकर माथे पे तिलक लगाकर और भूमि पूजन जब वो कर रहे थे और एक दृश्य में तो उन्होंने मुकुट तक पहन लिया था, ऐसा लगा कि ये किसी भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक समुदाय का नेता है। ये कहा जाए कि एक हिंदू किंग है, एक हिंदू राजा है, किसी धर्म पेश लोकतंत्र में 130 करोड़ लोगों का नेता नहीं बल्कि ऐसे लगे नरेंद्र मोदी जैसे कि वो एक तरह से एक हिंदू किंग है।
ऐसा लगा कि ये किसी भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक समुदाय का नेता है। लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं आई एम बाबरी, यानी हर एक मुसलमान बाबरी है। देखिए यार, ये बड़ी ऑफेंसिव चीज बोल दी उन्होंने, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद की तरह नाजायज नहीं है, नाजायज सिर्फ रोहिंग्या है और इलीगल बांग्लादेशी है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है बाबरी मस्जिद का टूटना। यार मुझे तो लगता था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है बबीता जी की शादी अय्यर के साथ या फिर चॉकलेट मैगी। लेकिन कसम से जरा आप सोचिए, एक देश में जहां पर पिछले सिर्फ 20 सालों में ही कश्मीर में 200 से ऊपर मंदिर तोड़े गए हैं, वहां पर इनको सिर्फ एक मस्जिद का टूटना सबसे बड़ी ट्रेजेडी दिख रही है। बाबरी मस्जिद की एक ईंट को तोड़ने के पहले भी बांग्लादेश में 400 हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए थे, वहां उनको ट्रेजेडी नहीं दिखी। बाबरी मस्जिद की एक ईंट टूटने से पहले ही हैदराबाद में दंगे हुए थे जिसमें 200 लोगों की जान गई थी, वहां इनको ट्रेजेडी नहीं दिखी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। प्रशांत भूषण तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस गोगोई इतने खराब हैं कि उन्होंने बीजेपी के गुंडों को बस ये जमीन बाबरी की दे दी, फ्री में बांट दी बेसिकली। अरे उनके पिताजी की जमीन है जो फ्री में बांट देंगे भाई। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में खुद लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाइंडिंग्स के मुताबिक क्लियरली दिखाया गया है कि इस मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है जो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है, और उसके एक्सकेवेशन से जो हमें आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि ये एक हिंदू स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके ऊपर से उन्होंने ये भी बताया है कि जो हिंदू साइड ने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो इस साइट के पोजीशन में रही है कंटिन्यूअसली 500 साल से, वो एविडेंस मुस्लिम साइड के एविडेंस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में इंसाफ तभी हो सकता है जब बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाया जाए। अरे भैया, अगर इंसाफ ही करना है तो बाबरी पे ही क्यों रुक जाते हो यार। अगर टूटी हुई चीजें आपको बनवानी ही है इंसाफ के लिए, तो अगर सही मायने में हमें इंसाफ चाहिए तो भाई तक्षशिला की यूनिवर्सिटी को भी दोबारा बनवाइए, बामियान के बुद्धा जो टूटे हुए हैं उनको भी दोबारा बनवाइए, कश्मीर का जो महान मारतंड मंदिर है उसको दोबारा बनवाइए, और बाकी जो 200 टूटे हुए मंदिर है कश्मीर के उनको दोबारा बनवाइए। जो पाकिस्तान में मुल्तान में एक महान भव्य सूर्य मंदिर हुआ करता था उस मंदिर को दोबारा बनवाइए, और जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, उन सबको भी बनवाइए। क्या एक बाबरी हिंदुओं के हजारों मंदिरों से ज्यादा बेहतर है? और देखिए, अगर आपको देश को साथ लाना ही है तो देश को लाफ्टर के साथ साथ में लाना चाहिए। तो अगर एक चीज हमें बनवानी है इस देश में तो द एक्सपोजे मूवी का पार्ट 2 बनवाना जरूरी है। खून खराबे से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। सर, ये तो टट्टी है। और उस मूवी के हेट्रेड में सारा देश एक हो सकता है। एक भाई साहब ने तो एकदम फिलोसॉफिकल बात बोल दी। बोलते हैं कि भाई जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी गई थी उसी डेट दिसंबर 6 को बाबा साहब अंबेडकर का भी निधन हुआ था, यानी कि हिंदुओं के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और कास्टिज्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अरे भैया, अगर हम उल्टे सुलटे कनेक्शन बना ही रहे हैं तब फिर जिस दिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था उस दिन मैं बाथरूम में पॉटी कर रहा था, इसका मतलब हुआ। और यही तो मौज है यार, जिस दिन से राम मंदिर का जजमेंट आया है उस दिन से ताबड़तोड़ कोशिश की जा रही है कि इस राम मंदिर के जजमेंट को डीलिजिटिमाइज किया जाए, इसके ऊपर कीचड़ उछाला जाए और इसको हिंदुओं को 500 साल के बाद इंसाफ मिलने के बजाय पूरे देश के खिलाफ और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक नाइंसाफी की तरह देखा जाए। और इसीलिए तो जब भी बेचारे कार सेवक घर से घर जा रहे थे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, तब लोग सोशल मीडिया पर जाकर बोल रहे थे कि वो कार सेवकों को देखकर इतना घबरा गए कि 5 सेकंड तक थरथराते रहे। मैडम देखिए, ऐसा है, सिंपल सलूशन है मेरे पास, अगली बार स्वेटर पहन लीजिएगा, कंबल भी ओढ़ सकती हैं। टेंपल ट्रस्ट की रेपुटेशन खराब करने के लिए टेंपल के ऊपर करप्शन के भी नकली इल्जाम लगाए गए, और फाइनली इस जजमेंट के आने के बाद जब भी 6 अगस्त आएगा या 6 दिसंबर आएगा तो इस तरह का एक लाइन हमेशा डाला जाएगा कि भाई बाबरी मस्जिद को वापस बनवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स को रोकना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमें मथुरा और काशी की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हम इसी तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में पीस कैसे आएगा,
और देखिए इस सवाल के दो बड़े आसान से जवाब हैं। पहला कि हमारे अतीत में जो गलत काम हुए हैं उनको एक्नॉलेज किए बिना और उस गलती को सुधारे बिना देश कैसे आगे बढ़ सकता है। जर्मनी अगर हिटलर के क्राइम्स को एक्नॉलेज नहीं करता और नाजी आइडियोलॉजी से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता तो जर्मनी डेवलप कैसे करता। उसी तरह से इंडिया में अगर हिंदू कम्युनिटी अनटचेबिलिटी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करती तो रिजर्वेशन ला के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कैसे करती। क्योंकि देखिए अगर जर्मनी नाजीज्म को एक्नॉलेज करके उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करता और अगर इंडिया अनटचेबिलिटी को एक्नॉलेज करके उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करता तो दोनों देशों में ये खतरा है कि ये आइडियोलॉजी दोबारा पनप सकती है। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में सही मायने में ट्रूथ और रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता और प्यार नहीं बढ़ सकता जब तक पूरा भारत देश और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो बड़े लीडर्स हैं वो ये एक्नॉलेज नहीं करते कि मुस्लिम घुसपैठियों ने मुस्लिम रूलर्स ने भारत की हिस्ट्री में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, उनके बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं और उन ज्यादतियों को वो एक्सेप्ट करते हैं और कल्चर को वो चेंज करना चाहते हैं ताकि इस तरह की ज्यादतियां फ्यूचर में कभी भी ना हो। क्योंकि जब तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है मुस्लिम कम्युनिटी से तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आज तक जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजी बाबर और औरंगजेब से बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 20 साल में जब आप जिंदा थे उस समय पर कश्मीर में 200 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए हैं। हाल में ही जो दिल्ली में रायट्स हुए थे उस समय पे भी याद रखिए कि मंदिरों को अटैक किया गया था और मंदिरों में मूर्तियों को अटैक किया गया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मंदिरों की क्या हालत है वो तो हम जानते ही हैं। और बांग्लादेश की जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो किस तरह से 1951 में 22% से घटकर आज अराउंड 8% हो गई है, इससे हमें क्लियरली पता चलना चाहिए कि इस कम्युनिटी का नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ किस तरह का एटीट्यूड और किस तरह का बर्ताव रहा है। और इसीलिए जब आकाश बाबू राम मंदिर के वर्डिक्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं, क्या इस वर्डिक्ट में फैसला आया पर इंसाफ नहीं हुआ? तो देखिए भैया, न्याय तभी आएगा जब हम अपनी अतीत की गलतियों को ठीक तरीके से एक्नॉलेज करके सुधारेंगे। अगर हमें डिवीजन रोकना है, अगर हमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स रोकनी है तो जिस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी उसी तरह से पुरानी गलतियों को भी सॉल्व करने की जरूरत है। इसीलिए नॉन लेफ्ट के साथ साथ लिबरल्स को भी आगे आकर 370 को हटाने को सपोर्ट करना चाहिए। हिंदुओं के मंदिरों को भी मॉस्क और चर्चेस की तरह गवर्नमेंट के चंगुल से छुड़ाने में सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से CEA के लिए आप सड़कों पर उतरे थे उसी तरह से आप आर्टिकल 29 और 30 में हिंदू कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी फ्रीडम दिलाने के लिए सड़कों पर उतरिए। उसी तरह से पूरे देश को साथ में मिलकर ब्लास्फेमी कानून जो कि मेनली मुस्लिम सेंटीमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए निकाले गए थे उनको हटाने में मदद कीजिए। जिन शहरों के नाम इस्लामिस्टों के ऊपर रखे गए थे जैसे औरंगजेब बाबर खिलजियों के ऊपर उन शहरों के नाम बदलने में मदद कीजिए। जो हिंदू कम्युनिटी के सबसे पवित्र जगह हैं वो हिंदू कम्युनिटी को वापस लौटाइए वरना ये किस तरह की कम्युनल हारमनी है? क्योंकि ये हारमनी तो भैया एक तरफा ही है ना बिल्कुल। इस हारमनी में हिंदू कम्युनिटी की हालत रन फिल्म के विजय राज जैसी हो रखी है कि कम्युनल हारमनी के नाम पे हिंदू कम्युनिटी ने कौवा बिरयानी खा ली है, छोटी गंगा समझ के नाले में छलांग लगा दी है, फ्री में अपनी किडनी दे दी है, पॉर्न मूवी में भी एक्टिंग कर ली है और फाइनली इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और बेचारे पेटीकोट बाबा बन के रह गए हैं देश में। तो अगर भारत में डिविजन रोकना है तो दोनों कम्युनिटीज को हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमारे अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनको एक्नॉलेज करके फिक्स करने की कसम खानी पड़ेगी। और इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी के हाथ से हाथ मिलकर मथुरा और काशी में मंदिर बनाने में मदद करनी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में ये जो कम्युनल टेंशन है, डिविजन है, इसको कम करने के लिए हमें क्या कदम लेने चाहिए? जो कदम मैंने आपको बताए हैं क्या आप उनसे अग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं और मैंने हाल में ही एक एपिसोड पब्लिश किया है जो सिर्फ पेट्रंस के पास मौजूद है या फिर यूट्यूब मेंबर्स के पास मौजूद है, जिसमें मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की है और किस तरह से हमारे जस्टिस साहब जो हैं वो वोक एक्टिविज्म कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हुए मैंने एक पॉडकास्ट पब्लिश किया है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आज की आज ही यूट्यूब पर मेंबर बने या पेट्रियन पर मेंबर बने। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको सके अपना